और दुआ करना यार, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पोला जी पिजन क्लब अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम बैक करते हैं। उम्मीद है कि सब तो खैरियत से होंगे। कप्तान जी के पास आए हैं माशाल्लाह, इनसे सलाम दा भी लेनी है, इनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक है हमें पता लगा, तो हम तबीयत का पता करने आए हैं माशाल्लाह, आपके साथ शेयर करते हैं। अभी ऊपर का ही व्यू आपको दिखाते हैं, ये नीचे से व्यू दिखा रहे हैं, इनको दाना वगैरह फेंका हल्का सा। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं अपना। ये पता लगा आपकी तबीयत नहीं ठीक है, और बहुत शुक्रिया। मैं तो आज उठा ही नहीं सुबह से, मैं यहीं घर ही बैठा रहा, दवाई वगैरह लेके फिर की साइड पर। बहुत शुक्रिया दर्द। हाँ जी हाँ जी। और दोस्तों यार अस्सलाम वालेकुम, मैं करना भूल गया, बस मैं बाहर नहीं काम कर रहा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे हमारे चाहने वालों को, देखने वालों को, जो अंदरून शहर में रहते हैं, जो अंदरून शहर में रहते हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सेहत तंदरुस्ती सेहत दिली लगा कर। ये हमारी दुआएं होती है अपने दोस्तों के लिए यार। और दोस्तों यार अल्लाह का घर देख कर आए हैं 40 दिन तक, यही मेरा इंशाल्लाह ताला यही तसलसल रहेगा कि आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँ। क्या पता किसकी आमीन शुरू हो, यानी कि अल्लाह ताला सुन लें, अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे। ये भोला जी आए हैं, उनकी मेहरबानी यार, मेरे से तो अभी वो शादी भाई के फ़ोन आया था, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने उनको ही मना कर दिया था। मैंने कहा यार, तो फिर ये बेचारे आ गए, आप ही इन्होंने कहा लाओ कप्तान जी हम गाना डाल देते हैं। मेहरबानी यार, ये इनका बड़ा पन है, प्यार है, तो आप ही ये इतनी मेहनत करते हैं भाई हैं ये भी माशाल्लाह, तो इनका भी आपसे रिक्वेस्ट है यार, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ढीला नहीं लगेगा। आप इनके जो चैनल है ओला जी पिजन क्लब, इसको भी सब्सक्राइब करें यार, इंशाल्लाह ताला आपको नई से नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। बस दुआ करना यार, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं तो फिर बेहतर हूँ, वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके लिए भी दुआ करना, और तमाम जो बीमार हजरात हैं उनके लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत जमीन सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक, अल्लाह ताला हम लोगों को भी पांचों वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हम जो हमारे दोस्त अहमाद हैं, देखने वाले हैं, अंदरून रहते हैं, बहरून में भी रहते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हज और उम्रे की शहादत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला से यही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि यार अगर हमसे भी गलती हो गया करें तो या अल्लाह तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, हमें माफ़ फरमा दिया करो। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए अपना भोला जी, अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे। आप ऊपर जाके गाना वगैरह डाल के आप ही दिखा दें, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। दोस्तों ऐसी बात ही है, वाकई में कप्तान जी की तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन ऐसे इनको कभी मैंने इतना खामोश नहीं देखा और इतना डोन नहीं देखा। आज तो माशाल्लाह इनसे ना ऊपर भी नहीं चला जा रहा था, नहीं तो बड़ी फिटिंग से ऐसे करके दाना उठाते हैं, ऐसे करके हम देखते रहते हैं। मैं कहते हैं यार माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। आमीन आमीन। दूसरे ये कि अपने माँ बाप का ख्याल जरूर रखा करो, माँ बाप इज्जत करा करो। दोस्तों अल्लाह तो कार खास है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने यानी के बंदों से, पर जब तक तुम्हारा वालदैन नाराज़ रहेंगे ना तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। दो चीज़ें होती हैं, एक हकूकली बात और एक हकूकुल्ला। तो दोस्तों यार हकूकुल्ला जो है अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाले हैं। आप लोगों से यही इल्तमास है कि यार कोई महल्लेदार होते हैं, कोई दोस्त अहबाब होते हैं, सबको इज्जत से पेश आया करो और हर वक्त अच्छे वक्त की दुआ किया करो, बावजू रहा करो। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह कुरान पाक के घर में अपने बच्चों को, जो बहनें हैं आपकी, मिसेज हैं आपकी, उनको कहा करो कि यार आप ना कुरान पाक सुबह की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें, इंशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। ये मेरा इंशाल्लाह तजर्बा है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बावजू रहा करें। ओके भोला जी, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। इंशाल्लाह इन्होंने इतनी आपसे गपशप करी, आपसे बातें शेयर करी, लेकिन परेशान है। आप लोगों ने भी दुआ करनी, हम भी दिल से दुआ करते हैं। हमारे बड़े इनके पास आते हैं तो हम भी ना खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती दे और इनकी बेगम को भी सेहत तंदरुस्ती दे। अल्लाह पाक हमारे सिर पर इनको सलामत रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों नई वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।